एनआईटी फरीदाबाद के वार्ड नंबर 1 में वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश डागर ने विकास कार्यों की झड़ी लगाई हुई है। मुकेश डागर आज अपने पैतृक गांव झारसेंटली पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के गणमान्य लोगों का फूलमालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर मुकेश डागर ने गांव के एक कच्चे पड़े रास्ते पर टेल बिछाने का कार्य शुरू कराया, जिसकी शुरुआत ग्रामीणों ने नारियल फूट कर की। साथ ही मुकेश डागर ने गांव में होने जा रहे तमाम विकास कार्यों के बारे में बताते हुआ कहा कि बहुत से कार्यों का बजट पास हो चुका है, जल्द ही उन पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव की कोई भी समस्या होगी वो उसको प्राथमिकता देते हुए उसका जल्द से जल्द समाधान कराएंगे। ये आज हमारे अपने पैतृक गांव झारसेतली में ये रास्ते का शिलान्यास हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी करके गए थे चुनाव से पहले। आज वो विधिवत कार्य आप देख रहे हो, आपके सामने चालू हो गया है। हम अपने गांव की तरफ से केंद्रीय मंत्री अपने चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी का अपनी जनता की तरफ से, सरदारी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे 39 लाख की लागत से चुनाव से पहले गांव के 5 रेवेन्यू रास्ते थे जिनका शिलान्यास किया था, जिसमें से एक शमशान घाट के बरावल वाला जो रास्ता चाचा श्याम वाला वो कंप्लीट हो गया है। उसी कड़ी में आज ये दूसरा रास्ता है जो शहीद भगत सिंह पार्क से और ये हुड्डा तक जाता है। उसी कड़ी में और जो 3 रास्ते आगे हैं वो भी बहुत जल्दी पूरे करे जाएंगे। हम मंत्री जी का अपने गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। गांव में पहले भी काफ़ी कार्य चल रहे हैं और आगे भी अभी नए कार्य होने जा रहे हैं। जैसे कि नए कार्य में हमारे जो खीरा देवत पार्क है उसमें 1,80,00,000 की लागत से बरातघर का शिलान्यास अभी होने जा रहा है चुनाव आचार संहिता से पहले ही। अपने गाँव की जो झोड़ है उसका सौंदर्यीकरण है 1,72,00,000 की लागत से। हमारे पछोला कुआ है उसका सौंदर्यीकरण है 17,00,000 की लागत से। हमारी सातवीसी की चौपाल है उसका सौंदर्यीकरण है 9,00,000 की लागत से। एक हमारे शहीद भगत सिंह पार्क की चारदीवारी और उसके बराबर हमारे वाल्मीकियों का भाइयों का रास्ता है वो भी पूरा पास हो गया है। एक हमारे बंगला चौपाल से ऊपर तक के जो रास्ते हैं 2-3 वो भी पास हो गए, उनका बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। वहीं गांव के गणमान्य लोगों ने मुकेश डागर द्वारा किए कार्यों की प्रसन्नता की, साथ ही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहने का वादा किया। मेरा नाम डॉक्टर धर्म सिंह डागर है, मैं आरडब्ल्यू का प्रधान हूँ यहाँ का। और आज ये बहुत सालों से इसकी डिमांड थी गांव वालों की कि ये रास्ता बने, तो गांव वालों ने भाई मुकेश पार्षद से आग्रह किया कि गांव में बड़ी समस्या रहती है, रास्ते सारे छोटे छोटे हैं, ब्लॉक रहते हैं, तो इसको बनवाएं। तो इन्होंने माननीय मंत्री से सहयोग लेकर के आज विधिवत रूप से इसका उद्घाटन किया है। तो सभी पूरा गांव बस्ती सारी यहाँ पर है और सभी गांव की तरफ से पार्षद जी का धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे कार्य हमारे चल रहे हैं गांव में बहुत सारे, और वो ऐसे ही चलते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि पार्षद जी इस तरह से हमारे समस्याओं को सुन करके उनको दूर करते रहेंगे और हर चीज़ पर वो खड़े उतरे हैं, हमारे जो भी हमारी समस्या होती है उनको दूर करने में खड़े उतरे हैं और ऐसे ही उतरते रहेंगे। उमरन सिंह नाम है, गाँव में बढ़िया काम करवा रहा हूँ।